जहाँ जहाँ अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। उसका कारण है कि अंदर गए हुए जितने भी नेता उनके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दस्तावेज दिए होंगे, कोई प्रूफ होगा, नहीं है तो आप नकार दें वहाँ पर। इस तरह से देखते हैं क्या कहते। बात ऐसी है, कभी राहुल गांधी जी को भी बुलाया था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था, हम भी अंदर जाकर आए हैं, महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जाकर आए हैं, वेस्ट बंगाल के 2 मंत्री को ईडी ने पकड़ा है, तमिलनाडु के 2 मंत्री जेल में है। जहां जहां अपोजिशन ताकतवर और मजबूत है और इंडिया अलायंस में जो मजबूत नेता है उनके ऊपर ये तलवार चलाएंगे। ममता जी ने एक बात कही आज, सबको अरेस्ट करिए, पूरा देश खाली कर लीजिए और आप चुनाव लीजिए। आपकी यही इच्छा है ना भाजपा, पूरा अपोजिशन जेल में ठूस दो और चुनाव लो। देखिए, ये बात तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब भी बुलाते हैं वहां जाना चाहिए, क्लियर करना चाहिए आखिर ईडी ने क्यों बुलाया है। उसका कारण है कि अंदर गए हुए जितने भी नेता उनके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दस्तावेज दिए होंगे, कोई प्रूफ होगा, नहीं है तो आप नकार दें वहां पर। लेकिन संविधान से ही देश चलेगा, कानून नियमावली से देश चलेगा, और उसको ना जाना मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो मध्य प्रदेश प्रचार के लिए अच्छी बात है, और अपने ड्राइवर को भी लेके गए हैं, पायलट को लेके गए हैं, क्योंकि पंजाब में कोई शासन तो करना नहीं है, पंजाब की जनता को कोई राहत नहीं पहुंचानी है, इसलिए उन्होंने पायलट रखा हुआ है। तो पंजाब भी प्रभावित होता है और दिल्ली भी प्रभावित होती है, दुर्भाग्य है ये, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ईडी को जो जवाब देखे, कोई भी नोटिस सरकारें और पार्टी नहीं देती है जी, उसके पास प्रूफ होता है, उसी के आधार पर देते हैं, और अगर इनको लगता है तो कोर्ट में जाए ना, हर चीज के लिए कोर्ट खुली हुई है, उनके तो कोर्ट से अच्छे संबंध है, माफी वाफी भी मांगते रहे हैं पहले। तो मुझे लगता है कि भाई इनको ये इधर कोई दाएं बाएं की बात करने के बजाय, जो इनके मंत्रियों ने उन्होंने प्रूफ दिया है सब ने कि जो पैसे का ट्रायल हुआ उसमें सब में इंक्लूड है ये, तो उसका जवाब प्रूफ देने पड़ेंगे, ऐसे बच नहीं सकते, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, जो भी उसमें दायरे में आएगा जांच भी होगी, मालूम भी पड़ेगा कि भी किस प्रकार से देश के पैसे को बर्बाद करने का काम किया गया है। आखिर ये सारा विधायक और मंत्रालय 40 बाबा 40 चोर की टीम है ये, और उसी प्रकार से काम कर रही है लूटने का।